नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। नक्सली समरजी सिटी प्रकरण में जमशेदपुर न्यायालय ने मंत्री सरयू राय और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी को साक्ष्य के अभाव में कर दिया बरी। डॉक्टर अजय कुमार पर आरोप लगाने के बाद डॉक्टर अजय ने दर्ज कराया था इनके खिलाफ FIR। जमशेदपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सुनारी नर्स क्वार्टर के पास नेहरू मैदान के एक घर में बंदूक की नोक पर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वालों को कर लिया गिरफ्तार। एक देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल के अलावे पिघलाए सोने को पुलिस ने किया बरामद। जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय ने बाढ़ नियंत्रण के मुद्दे को लेकर स्वर्ण रेखा परियोजना के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चाएं। स्लेस गेट में जा रहे कचरों को रोकने की व्यवस्था अपनाने का मानगो अक्षेस को दिया उन्होंने निर्देश। अब खबरें विस्तार से। नक्सली समरजी सीडी प्रकरण में जमशेदपुर न्यायालय ने मंत्री सरयू राय और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आपको बता दें, सन 2011 लोकसभा उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार ने नक्सली समरजी से बात की थी और ये सीडी मंत्री सरयू राय के हाथ लग गई। उधर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी ने इस सीडी को चुनाव आयोग तक पहुंचा दिया। इसकी सत्यता की जांच की मांग की गई। उधर इस मामले में साक्षी थाने में सीडी प्रकरण में एक FIR दर्ज कराई गई। उधर FIR होने के बाद डॉक्टर अजय कुमार ने साक्षी थाने में ही तत्कालीन प्रत्याशी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी और सरयू राय के खिलाफ FIR दर्ज किया था। वैसे CJM कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इलेक्शन के समय में उनकी उग्रवादियों से बातचीत को लेकर, जब अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार हैं, इलेक्शन के समय में उनकी उग्रवादियों से बातचीत को लेकर एक CD जारी हुई थी। उन्होंने कोर्ट में केस किया था कि इस CD को जारी करके हमारी प्रतिष्ठा धूमिल की गई है और हमको चुनाव में हराने का षड्यंत्र किया गया है। तो उनके जो आरोप हैं वो सही साबित नहीं हो सके, प्रमाण नहीं दे सके कोर्ट के सामने कि इससे उनकी छवि धूमिल हुई है या इससे उनके चुनाव परिणाम पर कोई असर पड़ा है। तो न्यायालय ने 7 वर्षों तक सुनवाई करने के बाद आज निर्णय दिया है कि हम लोगों पर जो आरोप लगे वे बुनियाद हैं, उनके पक्ष में कोई सबूत नहीं है। सबूत के अभाव में हम लोगों को कोर्ट ने बरी किया। मैं था और डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी जो उसमें भाजपा के उम्मीदवार थे, ये दोनों आरोपी थे। तो कोर्ट का निर्णय आया है, हम लोगों को प्रसन्नता है कि समय ज़्यादा जरूर लगा मगर जो सही बात थी वो न्याय निर्णय में सामने आ गई। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जमशेदपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर सुनारी नर्स क्वार्टर के पास नेहरू मैदान के घर में बंदूक की नोक पर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करते हुए एक देशी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 1 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल के अलावे गलाया हुआ सोना बरामद किया है। आपको बता दें कि 3 जून को सोनारी थाना क्षेत्र के नेहरू मैदान के समीप ये घटना घटी थी। वही घटना का मुख्य अभियुक्त बाबू लोधी बताया जाता है, जो पड़ोस में ही रहता है और उसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वही 48 घंटे के भीतर घटना का उद्भेदन किए जाने को लेकर SSP जमशेदपुर ने अनुसंधान से जुड़े सभी पुलिस कर्मियों को इनाम दिए जाने की अनुशंसा की है। वो सुनारी में जहां घटना हुई है वहीं का बगल का रहने वाला है, वो पड़ोसी है, वो जानता था कि इनके घर में लोग अकेले 2-3 लोग ही रहते हैं और उसी ने इसको प्लानिंग की थी। उसको पैसे की जरूरत थी शादी करने के लिए। पूर्व में भी वो क्रिमिनल है, एक राकेश दुबे नाम के व्यक्ति के ऊपर में गोली चलाने में वो जेल में भी गया था मार्च 2019 में और नवंबर 2018 में जेल गया था। मई में 2019 में ही निकला है और निकलने के बाद इसने बाकी अन्य लोग में 3 लोग 4 लोग टोटल सोनारी के रहने वाले और एक व्यक्ति इसमें साक्षी गुरुद्वारा बस्ती का रहने वाला है।
जमशेदपुर में मंत्री सरयू राय ने बाढ़ नियंत्रण के मुद्दे को लेकर स्वर्ण रेखा परियोजना के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर यह बातचीत की गई। साथ ही स्लुइस गेट में जा रहे कचरों को रोकने की व्यवस्था के निर्देश मानगो अक्षेस को भी दिए गए। मंत्री सरयू राय ने कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की। बाढ़ नियंत्रण को लेकर यहां चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बरसात के समय पानी कम डिस्चार्ज होने के बावजूद डेंजर जोन दिखता है और इसे दोबारा परिभाषित करने के लिए सरकार के समक्ष बात को रखी जाएगी। वहीं शहर के जितने नालियों की पानी नदियों में जाती है उसमें कचरा न जाए, इसके लिए मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारियों को स्लुइस गेट पर जाली लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कई नए स्लुइस गेट का भी निर्माण किया जाएगा। वहीं स्वर्ण नदी तथा खरकाई नदी के तटबंधों को मजबूत करने हेतु परियोजना लाई जाएगी जिससे दोनों तटबंध मजबूत किया जाएगा। जमशेदपुर में बरसात के दिनों में जल निकासी जल जमाव की समस्या को लेकर हम लोगों ने सोनरेखा परियोजना के साथ बैठक की। इनका ये कहना है कि हम लोग कम डिस्चार्ज हमारे नदी में रहता है तब भी जल्दी ही डेंजर लेवल पर पानी पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ के डेंजर लेवल को हम लोगों को रीडिफाइन करना होगा। हमारे मानगो या जमशेदपुर से जो नाले गिरते हैं नदी में, उन नालों में स्लुइस गेट बने हैं, मगर जो प्लास्टिक आदि डेब्रिस चला जाता है उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये नहीं रहेगा तो ये प्रभावी नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने मानगो के नगर निगम के विशेष अधिकारी को बुलाया था कि आप जब नालों में आप इसकी व्यवस्था की जाए कि एक नेट बने, मगर वो नेट ऐसा हो कि सिंचाई विभाग जल संसाधन विभाग के लोगों से बात करके इनकी सहमति से इनके स्लुइस के डिजाइन के अनुरूप हो। तो पूरी तरह से खरकई स्वर्ण रेखा की जो तटबंध है, इन तटबंधों को कैसे मजबूत करें इसके बारे में जरूरत होगी कि एक हम लोग बड़ी बैठक बुलवाएँ, कमिश्नर बुलाएँ, चीफ सेक्रेटरी बुलाएँ और यहाँ दोनों जिलों के पदाधिकारी रहें, नगर पालिकाओं के लोग रहें, ताकि आगे की योजना आपको हम सही तरीके से लागू कर सकें। जमशेदपुर के मानगो थाना पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के पास से 20 महंगे स्मार्टफोन बरामद किया है। गिरफ्तार दोनों शातिर चोर बताए जाते हैं और उनका मुख्य पेशा सड़क पर या बाजारों में चल रहे लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करना और उन्हें ले जाकर बाहर बेचना है। वैसे गिरफ्तार दोनों अपराधकर्मी झारखंड के साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी अनुप बिरथरे ने बताया कि ये लोग बेहद ही शातिर तरीके से किराए पर मकान लेकर रहते हैं और शहर में मोबाइल चोरी और छिनतई की घटना को बड़े ही आसानी से अंजाम देकर दूसरे राज्यों में बेचने का काम करते हैं। वहीं एसएसपी ने किराए पर मकान देने वाले मकान मालिकों के लिए भी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के अगर मकान मालिक किसी को किराए पर मकान देते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि सभी मोबाइल के मालिकों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही पुलिस उन्हें सौंपने का काम करेगी। दो इम्पोर्टेंट चोर को पकड़ा है, इसमें ये दोनों साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से 20 स्मार्टफोन हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये चोर का गिरोह पिछले करीब 15-20 दिनों से मानगो थाना क्षेत्र में इंदिरा कॉलोनी में एक किराए के रूम में रह रहा था और वहाँ पर रहते हुए ये लोग आसपास के थाना क्षेत्र मानगो ओलीडी और ग्रामीण थाना क्षेत्र में पटमदा गालूडी इत्यादि में जा करके और मोबाइल चोरी का काम करते थे। ये हाट बाज़ार और मार्केट, सब्जी मार्केट इत्यादि में कोई व्यक्ति जब खरीदारी कर रहा है तो चुपचाप उसके पॉकेट से मोबाइल निकालने का काम ये दोनों खुद भी किया करते थे और कम उम्र के बच्चों से भी ये काम कराते थे। दो लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और 20 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। ये सारे मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन हैं और महंगे फ़ोन हैं और इससे बहुत सारे जो कांड हैं हम लोगों के मोबाइल चोरी के या मोबाइल स्नैचिंग के वो कांड डिटेक्ट हुए हैं। जमशेदपुर के बागबेड़ा बड़ौदा घाट पर बनने वाले पुल का निरीक्षण गुरुवार को राज्य पथ निर्माण विभाग की टीम ने किया। इस दौरान इन्होंने निरीक्षण के उपरांत पुल निर्माण में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए इसके जल्द निर्माण का भरोसा दिलाया।
बता दें कि यहां पुल और सड़क दोनों बनाए जाने की निविदा एक साथ पास हुई थी और लगभग एक वर्ष पूर्व भी सड़क बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन पुल जिस स्थान पर बनना है वहां रेलवे का पाइपलाइन बिछाया गया है और इस कारण जो संरचना पहले बनी हुई थी उसमें बदलाव की आवश्यकता है। गुरुवार को रांची से पथ निर्माण विभाग की 2 सदस्यीय टीम निर्माण स्थल पहुंची और क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने कहा कि पुल के निर्माण के लिए दोबारा संरचना बनाई जाएगी और जो समस्याएं आ रही है उसे दूर करते हुए नई मैपिंग की जाएगी और पुल का निर्माण जल्द करा लिया जाएगा। एक तो वाटर सप्लाई का पानी जा रहा है जो इसी ब्रिज पे, तो अभी हम ऐसा इस कंस्ट्रक्शन को तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसको प्रॉपर हम वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी ये चालू हालत है। तो इसलिए इस ब्रिज के डिज़ाइन में हम लोगों ने प्लान किया है कि कुछ चेंजेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले फुल सप्लाई मेंटेन कर दें तब हम लोग ब्रिज का काम शुरू करें, क्योंकि इसमें डिज़ाइन इशू है, तो डिज़ाइन का इशू है तो डिज़ाइन में चूँकि चेंज करना है इसको, जो हमने ब्रिज प्रपोज पहले किया उसमें थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, तो यूजली थोड़ा टाइम लगता है इसके डिज़ाइन में, हमको लगता है कि हार्डली 2 से 1 मंथ। इस जो पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रेच है एक्सेप्ट ये ब्रिज, तो इसके लिए हम देख लेते हैं एग्जिस्टिंग कंसर्न जहाँ पे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि इसको क्या इम्प्रूव करना है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर इन दिनों सिख समुदाय के लोगों के द्वारा जमशेदपुर शहर में लगातार 40 दिनों तक शबिल का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से लोगों के बीच शरबत का वितरण किया गया। ग्रंथों के अनुसार गुरु अर्जुन देव जी को तत्कालीन मुगल शासकों के द्वारा बंदी बनाकर उन्हें प्रताड़ित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जनता की रक्षा के लिए हार स्वीकार नहीं की। उस वक्त उन्हें मुगलों ने 40 दिनों तक बिना खाना खिलाए और पानी के बिना रखकर उन्हें प्रताड़ित किया था और इसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उन्हीं की शहादत को याद करते हुए लगातार 40 दिनों तक शबिल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों के बीच शरबत का वितरण कर उनकी प्यास बुझाई जाती है। हमारे गोलमोरे सिख समाज, सारे सिख समाज द्वारा छबील का तो छबील लगाई गई है, जिसमें हमारे नेतृत्व में हमारे सिंधेबा जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं और जितने बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, गुरु अर्जन देव जी हमारे छठे गुरु थे, उनके उपलक्ष्य उनके जो शहादत दी गई, उन्होंने शहीदी दी गई उनके उपलक्ष्य में हम लोग ये शरबत पानी का राहगीर जो आने जाने वाले राहगीर है गोलमोरी मेन रोड में लगाई गई है और सबको हम लोग गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमारा ये एक उपलक्ष्य है कि हर साल की तरह हर साल लगाते रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा थाना अंतर्गत एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक द्वारा अपने मजदूरों को तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने का विरोध जामुमो ने जताया है। इस मामले में उन्होंने जिले के उपायुक्त से ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। बता दें कि इस मामले को लेकर 7 दिनों पूर्व झामुमो के जिलाध्यक्ष ने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर पूरे मामले से अवगत कराया था और इस पर कार्रवाई की मांग की गई थी। 7 दिनों बाद दोबारा झामुमो के तमाम नेतागणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और इस पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान इन्होंने कहा कि उक्त ट्रांसपोर्टर द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी से काफी कम मजदूरी मजदूरों को दी जाती है, जिसका विरोध जताया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जिले के उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में त्वरित जांच करवाई जाएगी, इसके बाद उक्त ट्रांसपोर्टर पर कार्रवाई भी होगी। माइंस के अंतर्गत प्रदीप अग्रवाल एक कॉन्ट्रेक्टर है जिसके अंडर में मजदूर आज काम कर रहे हैं, जो सरकार के तरफ से मिनिमम वेजेज जो तय करने की बात है वो मिनिमम वेजेज भी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा है और ये हमको लगता है 1.5 साल से इसी तरह का चल रहा है। इसको लेकर के विगत दिन हमारे जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन और पार्षद बाघराई माडी मजदूरों को लेकर के उपायुक्त महोदय से लोग मिले थे। उपायुक्त महोदय ने ये आश्वासन दिए थे कि हम इनकी तुरंत जांच करवा करके और इसका हम समाधान का रास्ता निकाल रहे हैं। आज 1 सप्ताह होने की बात, क्योंकि मजदूर स्ट्राइक पर है और इसीलिए हम लोग 1 सप्ताह के बाद पुनः आज उपायुक्त महोदय के यहाँ आए और अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो DC साहब ने ये कहा कि हम कल ही DLC को आदेश हम देते हैं और इस पर एक तुरंत हम जांच करवा करके जो भी इनके दोषी है उस पर कार्रवाई होगा और मजदूर का जो अधिकार है जो हक मिलने का है उसको ये।
जमशेदपुर से सटे पोटका के जुड़ी गांव के पास एक हाईवा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे हाईवा का चालक बुरी तरह से झुलस गया। पोटका पुलिस उसे आनंद फानंद में MGM अस्पताल लाई, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल MGM के बर्न वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि हाईवा का पीछे वाला डाला हाइड्रोलिक के सहारे ड्राइवर उठा रहा था, तभी ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन की चपेट में वो आ गया, जिससे हाईवा में आग लग गई और चालक बुरी तरह से झुलस गया। फिलहाल चालक MGM अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। हुआ हम लोग जैसे हम लोग सूचना मिला कि एक डंपर में पूरा करंट आ गया, हाई करंट लग गया, जिसकी वजह से जो गाड़ी का ड्राइवर था पूरा बुरी हालत में। हम लोग देखे तुरंत, हम लोग 5 मिनट के अंदर पहुंचे सूचना मिलने पर, देखा कि पूरा आपका आग से लथपथ था। तो हम लोग इमीजिएटली उसको, हम लोग किसी का बात नहीं सुनते, इमीजिएटली उसको उठा के हाईवे आधा घंटे के अंदर जमशेदपुर आपका MGM हॉस्पिटल पहुँचे। ये आपका पोटका थाना क्षेत्र में जुड़ी एक गाँव पड़ता, उसी के बीच में गाड़ी में डंपर चालक था। हम लोग को सूचना हुई मिला डंपर चालक था, अकेले था, वो आपका हाईवा डंपर था, ऊपर में हाई करंट था, वो देखा नहीं, जैसे डाला ऊपर किया उसमें करंट लगने की वजह से ऐसे घटना हुआ। हम लोग तुरंत, हम लोग जैसे सूचना तुरंत हम लोग आए तो पूरा शरीर पूरा आग से लथपथा हुआ था, जला हुआ था, पूरा टायर गाड़ी का हालत भी खराब था, टायर वगैरह में आग लगा हुआ था। सूचना मिली, हम लोग तुरंत इलाज के लिए आए। तुरंत चालक अभी तो जैसे सूचना अभी कुछ मिला, लेकिन जैसे देखिए हम लोग गंभीर स्थिति में है। जमशेदपुर में अब शराब माफियाओं का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि जहां चाहे वहां वे शराब की दुकानें खोल रहे हैं। बागबेड़ा थाना अंतर्गत हेमकुंज अपार्टमेंट में अब शराब कारोबारियों के द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर शराब की दुकान खोली गई है, और इससे अपार्टमेंट में निवास करने वाले लोग खासे परेशान हैं। इस मामले को लेकर अपार्टमेंट तथा आसपास की महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया, साथ ही जिले के उपायुक्त से इसे बंद करवाए जाने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि अपार्टमेंट के नीचे बने दुकान में शराब की लाइसेंस से दुकानें खोली गई है। अपार्टमेंट में शराब की दुकान खोले जाने से महिलाएं, बच्चे तथा घरेलू सर्वेंट्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं बच्चों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है और उनका भविष्य खतरे में है। साथ ही घर में काम करने के लिए आने वाली सर्वेंट्स को भी अब घरों में काम नहीं करना भा रहा है, और ये सब केवल शराब की दुकान खोले जाने के कारण हुई है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपते हुए अविलंब शराब की दुकानों को बंद करवाए जाने की मांग की। मेरा समस्या यही है कि फ्लैट में दारू का दुकान खुला हुआ है, जो कि अनलीगल है, एकदम से परेशान है। दारू दुकान के सभ्य आदमी लोग रहता है दारू दुकान के ऊपर में, कल ही लगा है, आज कल लगा है, और हम लोग कल रात से परेशान है। सुबह में आए हैं हम लोग अपना हर हर गुट्टू में है, हेमकुंज अपार्टमेंट, आई डोंट नो, नाम नहीं पता हमको, फ्लैट का नाम हेमकुंज अपार्टमेंट। नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था इसके पहले कि दारू का दुकान खुल रहा है, ये तो हम लोग को नहीं पता था। नहीं, कल से हम लोग की कोई बात नहीं है, दारू ओपनिंग हो गए, हम लोग नहीं जाके बात किए हैं, बस हम लोग बस दारू दुकान बंद हो। दारू दुकान है, सबको पता है ये किस तरह की परेशानियाँ होती है, ये तो बोलने की बात ही नहीं है। फ्लैट के नीचे पार्किंग में। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG News की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।